जय माता दी। दोस्तों, धनतेरस एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा विषय होता है जिसपे हम बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। सभी लोग शॉपिंग करके कुछ न कुछ खरीद कर लाते हैं और इस दिन बहुत सारी शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है और इस दिन हम लक्ष्मी से रिलेटेड सामान खरीदते हैं। दोस्तों, जब समुन्दर मंथन हुआ था तो उस समय हमें धन्वंतरी वेद की प्राप्ति हुई थी। धनतेरस कुछ इस ढंग से मनाया जाता है जिससे हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारे वास पर कभी भी लक्ष्मी की कमी ना रहे। तो आज हम जानेंगे कि हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि यदि आप कुछ गलत खरीद लेते हैं तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है और जहां लाभ मिलता है वहां पर नुकसान भी मिलता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरस सकती है। मां लक्ष्मी विशेष रूप से आप पर कृपा कर सकती है। अमृत का इस समय प्रवाह होता है और यदि हम अमृत का प्रवाह देखें तो इसीलिए बर्तन खरीदे जाते हैं। बर्तन खरीद कर उन्हें अपने निवास पर रखा जाता है, परंतु बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बर्तन कौन से खरीदे जाएं। क्या कांच के बर्तन खरीदना सही रहेगा, क्या एल्युमिनियम के बर्तन खरीदना सही रहेगा और क्या स्टील के बर्तन खरीदना भी सही रहेगा। दोस्तों, बर्तन तो सभी सही हैं, परंतु यदि आप पीतल के बर्तन इस दिन खरीदेंगे तो आप सबसे ज्यादा लाभ कमाएंगे। पीतल के बर्तन यदि आप इस दिन खरीदते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चाहे तो आप चांदी के बर्तन ले सकते हैं, पीतल के ले सकते हैं, आप सोना खरीद सकते हैं, इन सभी चीजों से आपको लाभ मिलेगा। और वहीं बीमारी फैलाने वाले एल्युमिनियम के बर्तन आपको नुकसान दे सकते हैं। कांच के बर्तन भी आपको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें रोग होते हैं। एल्युमिनियम पर राहु का कब्जा है, यानी कि हम एक तरह से राहु की शक्तियाँ अपने निवास स्थान पर ले आते हैं। दोस्तों, या तो आप सोना खरीदिए या चांदी खरीदिए या फिर आप सबसे अच्छे बर्तन पीतल के या तांबे के और उससे नीचे स्टील के, ये बर्तन आप खरीद सकते हैं। परंतु यदि आप चाहते हैं कि हम जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़े और आपको लाभ मिले और आप इस दिन बर्तन लेने ही जा रहे हैं, इस दिन को मनाने का प्रयत्न करने ही जा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी शक्तियों को बढ़ाए, जो अच्छी वाइब्रेशन इकट्ठी करके आपको दे जिससे कि आपको लाभ मिले, तो वह है सोना, चांदी, स्टील, तांबे के बर्तन और या फिर पीतल के बर्तन। आप इस दिन यदि अपने परमात्मा के लिए भी बर्तन खरीदते हैं, यदि इस दिन भोग के लिए भी बर्तन खरीदते हैं, तो आपको बहुत ही अधिक लाभ मिल सकता है। आप अपने परमात्मा को जिस थाल में खाना रखकर परोसते हैं या फिर भोग लगाते हैं, तो आप वो बर्तन भी इस दिन खरीद कर लाएं। यदि आप शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप परमात्मा की वाइब्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उसी दिशा में बहना होगा, उसी दिशा में हमें कार्य करना होगा, उसी प्रकार से कार्य करना होगा ताकि उस प्रकार की शक्तियाँ हमें मिले, हम आगे बढ़े और जिंदगी में हमें लाभ मिले। यदि आप धन कमाना चाहते हैं और इन खास दिनों की शक्तियाँ आपको मिले, तो इसके लिए आप एक छोटा सा मटका लीजिए और उसमें कहीं से जल भर लाइए किसी मंदिर या गुरुद्वारे से, और उसमें गंगा जल मिलाकर लक्ष्मी माँ के पास रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरा साल उसमें जल खत्म ना हो। उसमें जल मिलाते रहिए और उसी प्रकार आप अपने परमात्मा को जो भोग लगाते हैं उन बर्तनों को भी इस दिन चेंज कर दें। यदि आप घंटी ला सकते हैं अपने पूजा रूम के लिए, तो आप छोटी सी घंटी ले आएं। आप इस दिन सिंदूर की डिब्बी भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ आप ले आइए। तो दोस्तों, ये मंगलकारी दिन होते हैं जब आपको परमात्मा की शक्तियाँ बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि इन दिनों पर परमात्मा ने झोली खोल रखी होती है और जब हम वाइब्रेशन अपने अंदर पैदा करते हैं तो परमात्मा की वाइब्रेशन सीधे हमें आती है। दोस्तों, आप बस इतना कर लीजिए, फिर देखिए कितनी तेजी से आपको लाभ मिलता है, कितनी तेजी से आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, कितनी तेजी से सब रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। दोस्तों, क्या धनतेरस को किसी को उपहार देना चाहिए? तो दोस्तों, उपहार जरूर देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की लीलाएं बांटने से और बढ़ती हैं। और यदि आप किसी को बर्तन देते हैं या फिर कोई गिफ्ट देते हैं, तो आपकी शक्तियाँ और आपकी किस्मत उसके पास जाने वाली नहीं है, बल्कि उपहार देने से जो कर्म बनेंगे उनसे किस्मत और उज्जवल होगी। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा, बहुत सी शक्तियाँ मिलेंगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक